गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सो दिस इज वेलकम टू द सीरीज ऑफ यूपीपीसीएल जेई और एहसान जेई सीरीज। सो ये अब तो 16 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, अब मैं 17 क्वेश्चन ये सेक्शन का सब बता चुका हूँ। सो ये मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर या फिर आईआईटी या सॉरी गेट के या फिर आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ प्रोवाइड करने की जो कि अब जो है पूछा जा सकता है आने वाले यूपीपीसीएल जेई या फिर राजस्थान जेई के पेपर में। ठीक है, तो ये एक्चुअली गेट का आया हुआ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, ये गेट आईएएस दोनों ने पूछा गया, एसएससी जेई में ये नहीं पूछा गया। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि दो जनरेटर दिया हुआ है, G1 G2 हैज़ अ कैपेसिटी 100 MVA 200 MVA विद ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4% 6% रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल शेयरिंग अ लोड ऑफ इतना। फाइंड द लोड शेयरिंग, मतलब दो जनरेटर कनेक्टेड है पैरेलल में और इतना लोड शेयर कर रहे हैं तो हर एक जनरेटर का जो है कितना कितना लोड शेयर होगा, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कई बार ऐसे क्या होता है कि आपको यहाँ ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दी हुई है इसके लिए कई बार रेगुलेशन दे देगा कि रेगुलेशन रेगुलेशन लिखा रहेगा, रेगुलेशन परसेंटेज इतना है ना, तो रेगुलेशन इसमें भी तब भी आप यही मेथड लगाओगे, मतलब रेगुलेशन का मतलब कुछ नहीं होता, रेगुलेशन आर इज जस्ट डिफाइन एज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी, मतलब कि लोड के बढ़ने या घटने से, लोड जैसे कि जो भी लोड आप शेयर करा रहा है ये लोड के बढ़ने या घटने से हमारा फ्रिक्वेंसी कैसे अफेक्ट हो रहा है सिस्टम का, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेगुलेशन से। ठीक है, तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, तो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक दे या रेगुलेशन दे तो तुम ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसको करना कैसे है, ऐसे क्वेश्चन करना कैसे है, देखो तो ये क्या होता है कि जो भी जनरेटर है ये हमारा जो भी ये 200 दे रहा है या 100 100 MW दे रहा है ये 50 Hz पे दे रहा है, मतलब 50 Hz पे दे रहा है, 50 Hz फ्रीक्वेंसी पे दे रहा है, मतलब कि जब इन जनरेटर को आप लोडेड कर दोगे ना, जब फुल लोड इस पे तुम अप्लाई कर दोगे तब ये जो है 50 Hz पे काम करेगा और 200 MVA देगा। लेकिन ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक मतलब ये होता है कि जब ये जनरेटर हमारे नो लोड पर थे ना, जब कोई भी लोड इनसे कनेक्टेड नहीं था तब इनका फ्रिक्वेंसी क्या था, तो देखो उसी के लिए ये 2%, देखो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 100 MVA के लिए 2%। ठीक है, तो देखो ये 4% का मतलब क्या हुआ, 4% का मतलब क्या हुआ, 50 प्लस 50 × 4/100 करोगे। ठीक है, तो ये कटेगा 2 आ जाएगा, ये 2 तो 52 Hz आ जाएगा, मतलब कि जब ये 100 MVA वाला जनरेटर नो लोड पर था तब तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 52 Hz था। ठीक है, अब इसी तरीके से 200 MVA वाला करोगे तो कितना करोगे, 50 प्लस 50 × 6/100, ओके, विच विल गिव यू 53 Hz। मतलब कि जब हमारा जनरेटर नो लोड पे था तब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 53 Hz थी और उसकी 52 Hz थी, लेकिन जब इसको लोड दिया गया तब इसकी फ्रीक्वेंसी घट के जो है, मतलब जब फुल लोड पे जब काम करेगा तो ये 50 Hz पे काम करेगा। तो हम मानते ये हैं कि चूंकि इसका फुल लोड नहीं है, इसका इसका फुल लोड कितना होगा, 300 होगा, लेकिन ये 250 पे अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं नो लोड पे होगा और ना ही फुल लोड पे होगा ना, तो इसका मतलब नहीं ये 53 पे या 52 पे काम करेगा, नहीं ये 50 पे काम करेगा, ये इन दोनों के बीच में काम करेगा। ऐसा क्यों काम करेगा, इसलिए काम करेगा क्योंकि इसका फुल लोड कैपेसिटी तो दोनों की कैपेसिटी 300 देने की है लेकिन तुम इस्तेमाल 250 कर रहे हो, इसलिए इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब जो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जैसे ये 4% वाले की, तो अगर तुम 4% वाले की बात कर रहे हो ना, तो देखो उसका नो लोड फ्रिक्वेंसी कितना था, 4%, 4% ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक था, तो देखो ये मतलब वो नो लोड फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये माना कि एफ सिस्टम हमारा जो है जब दोनों लोग काम कर रहे थे, एफ एन फ्रीक्वेंसी, एफ एन पे जो है पावर सप्लाई, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ एन पे चल रहा था। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को कि या लेट मी टेक रीड या, तो देखो ऐसे करोगे कि भाई देखो 52 पे था, एफ एम पे काम कर रहा है, अब एफ एम पे अगर हमारा 100 MVA वाला काम कर रहा है तो हमने ये माना कि वो पीए पावर दे रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये 100 वाला जो है, 100 MVA वाला, 100 MW वाला 50 Hz पे काम करता है तब ये 100 देता है, तो एक ये ट्रेंगल ये बन, मतलब तो ऐसे समझो कि ये दो ट्रेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये दो ट्रेंगल बन जाएगा, एक ट्रेंगल ऐसे और एक ट्रेंगल ऐसे। ठीक, अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 52 का होगा, ठीक है, ये हमारा एफ एन फ्रीक्वेंसी का होगा और ये हमारा 50 Hz का होगा। ठीक, अब देखो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो 100 होगी, 100 MHz मेगावाट सॉरी। ठीक, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो पीबी होगी, सॉरी इसको नीचे ही बना देता हूँ, ये होगी पीबी, या सॉरी पीए दिया हुआ।
अभी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रेंगल है, तो ये थीटा जो होगा वही थीटा ये होगा, ठीक है। ये है क्या, ये नो लोड फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ एन जो सिस्टम जिसपे सिस्टम काम करेगा वही हमको निकालना है, और 50 जो जिसकी फुल लोड कैपेसिटी, मतलब फुल लोड जब ये सप्लाई करता है तब ये इतना जो है फ्रीक्वेंसी, इस इतने फ्रीक्वेंसी काम करता है। तो यहाँ से जब तुम टेन थीटा लिखोगे, वैसे तुम इसको सिमिलर ट्रेंगल का कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ से तुम टेन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 52 - FN/TA इज इक्वल्स टू 52, मतलब छोटा वाला ट्रेंगल देखो, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुम छोटा वाला ट्रेंगल देखो, इससे देखो टेन थीटा, ये थीटा मानो, ये थीटा वन और ये थीटा वन दोनों सेम थीटा है ना, तो जब टेन थीटा तुम लिखोगे तो 52 - FN/PA इज इक्वल टू, अब ये बड़ा वाला ट्रेंगल लोगे, बड़ा वाला ट्रेंगल लोगे तो 52 - 50/100, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है इसमें, कि सेम ग्रुपिंग क्राइटेरिया वो करोगे, कहोगे कि भैया जब ये 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा था तब ये 100 MW ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन अब ये FN पे काम करेगा तो ये कितना मेगावाट ट्रांसफर करेगा। ये FN के काम करने का वजह क्या है, वजह ये है कि इन दोनों की कैपेसिटी जो थी थ्री वो 300 MVA की थी, लेकिन ये काम कम ही पे कर रहे हैं तो कम ही फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी जितने पे काम कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक। अब ये सेम, तो ये टेन थीटा वन ये करोगे तो 52 - FN/PA इज इक्वल टू 52 - 50/100, ठीक। तो यहाँ जब तुम इसको PA को उधर करोगे तो ये 100/2 हो जाएगा इंटू 52 - FN हो जाएगा, तो यहाँ से PA का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये PA क्या बताएगा तुमको, PA वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारा 100 MVA वाला जनरेटर कितना पावर दे रहा है लोड को, ठीक। अब इसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे, ये भी एक तरह से एक ऐसा ट्रेंगल बनेगा ऐसा, ठीक। ये भी आप ऐसे ही करोगे कि ये 53 हर्ट्ज होगा, ये 50 होगा, ठीक, और ये हमारा FN होगा। 53 पे कितना 200 दे रहा है, 50 पे 200 दे रहा है, इतने पे कितना देगा, PB देगा, फिर वही 10 रिटर्न करोगे तो इसका अपॉन इसका इज इक्वल टू इसका पूरा और अपॉन इसका पूरा, ठीक है। तो वही 10√2 यहाँ से लिखा हुआ है, 53 - FN ये वाला अपॉन PB इज इक्वल टू 53 - 50/200, तो यहाँ से PB आ जाएगा तुम्हारा इतना, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि भाई लोड हमारा इतना है तो दोनों मिल के दे रहे हैं, दोनों मिल के दे रहे हैं, इसलिए PA + PB की जो वैल्यू होगी वो बराबर करोगे 250 के, ठीक है। तो इन अब दो क्या, PA का इक्वेशन वैल्यू यहाँ से पता चल गई, PB की यहाँ से पता चल गई, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे, जब तुम पुट करोगे तो देखो यही वाला एक्सप्रेशन जो है यहाँ लिखा हुआ है ये, और इस तरीके से ये भी लिखा हुआ है, PB का यहाँ लिखा हुआ है ये, तो बस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका इससे मल्टीप्लाई किया गया, इससे 50 FN के बराबर आ गया, फिर ये 200/3 इसका मल्टीप्लाई किया गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया गया, इनका समेशन लेगा ये आया माइनस ये इक्वल टू 250, ठीक। इज इक्वल टू देखो इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, 250 - 61 33.34, यहाँ से कुछ ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कर जाएगा तो FN ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये FN क्या है, ये FN वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये फुल लोड तो अप्लाई कर नहीं रहा है, फुल लोड अगर हो जाता तब तो ये सिंपल 50 हर्ट्ज लिख देते थे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से FN आ गया, अब FN निकालने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दोनों लोग कितना लोड शेयर कर रहे हैं ना, तो FN निकालने के बाद FN को यहाँ पुट कर दोगे ना, FN को यहाँ पे पुट कर दोगे इस वाली क्वेश्चन में, तो FN को जब तुम पुट करोगे 52 - 50.427 * 50, तो PA कितना आ जाएगा, 78.65 MW, ठीक। इसी तरीके से PB निकालना है अगर तुमको, तो PB के लिए क्या करोगे, PB के लिए इस वाला एक्सप्रेशन में FN को पुट कर दोगे, ठीक, FN को पुट कर दोगे 200/3, 53 - 50.427, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारे PB आएगा, तो यहाँ PB कितना आएगा, 171.53 MW, ठीक। सो इस तरीके से PB आएगा। अब देखो तुमको वेरीफाई करना है तो अब दोनों का सही मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हो आराम से, PA + PB का जो समेशन होना चाहिए वो लोड के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे करना है आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ से ये रेगुलेशन भी लिख सकता है, यहाँ पे ड्रॉपिंग लिखा हुआ है अभी, लेकिन कल को ये रेगुलेशन भी लिख सकता है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि कल को यहाँ पे 5% कर देगा तो तुम नो लोड फ्रीक्वेंसी क्या मानोगे, 50 प्लस, या इसी तरीके से 50 + 50 * 2.5 / 100, तो ये 52.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉपिंग रेटेस करना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल इसका मतलब यह हो कि जो भी ये 100 200 अप्लाई कर रहा है, जो दे रहा है, इसकी रेटिंग जो लिखी हुई है ये 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग लिखी है, ये कौन सी लाइन है, 50 हर्ट्ज की लाइन है, तो 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग दिया होगा, ठीक है। तो नो लोड फ्रीक्वेंसी जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा, आई बी सिक्स। तो इस तरीके से PA PB का जो होगा वो कंबिनेशन डिसाइड होगा कि PA कितना पावर दे रहा है
और पीबी कितना पावर दे रहा है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, इट्स मोस्ट मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो इस तरीके से आप लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हो कि पीए प्लस पीबी की वैल्यू 250 MVA के बराबर, मतलब टोटल लोड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सो आई वेस इट इज क्लियर, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, तो यू कैन राइट इन माई कमेंट, यू कैन राइट इन माई कमेंट बॉक्स। सो प्लीज कर सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अल्टरनेटर इज सप्लाइंग इतना लोड एट अ पावर फैक्टर ऑफ इतना, इफ द पावर फैक्टर इज यस टू यूनिटी हाउ मेनी मोर किलोवाट कैन अल्टरनेटर सप्लाई, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे कि पावर लोड पावर जो दिया जाता है वो हमेशा वी ए कॉस फाई के बराबर दिया जाता है, तो वी ए कॉस फाई के बराबर करोगे 300 किलोवाट के, ठीक। तो पावर फैक्टर 0.6 दिया है तो वी इंटू आई की वैल्यू बराबर आ जाएगी 300/0.6=500 KVA आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पी इज इक्वल होता है एक्टिव पावर, पी इज इक्वल टू एस टाइम कॉस फाई के बराबर होता है, और क्यू जो होता है वो एस टाइम साइन फाई के बराबर होता है, ठीक है। सो इस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पर क्या निकाला गया है, यहाँ पे सिंपल वी आई की वैल्यू निकाली गई है, मतलब एस का निकाला गया है, अपेरेंट पावर एस जो होता है वो वी आई कंजुगेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकाला गया, अब पावर फैक्टर यूनिटी हो गया तो कॉस फाई को तुमको वन पुट करना पड़ेगा, तो अब वी आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी ये, मतलब अब क्या हुआ, जब जब भी पावर फैक्टर वन हुआ तो एक्टिव पावर की जो डिमांड है वो बढ़ गई, पहले तुम्हारा 300 किलोवाट था लेकिन अब 500 किलोवाट हो गया ना, तो फिर तुमको जनरेटर को 200 और ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, यार इतना मोर पूछ रहा है ना, मोर कितना सप्लाई करेगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोर इतना पावर मोर सप्लाई करना पड़ेगा किसको, जनरेटर अल्टरनेटर को, ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली गुड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या होगा, ठीक है। साइज ऑफ ट्रांसफार्मर क्वेश्चन जो है काफी पूछा गया है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे कि देखो जो भी ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ इन ए ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4.44 एंड नंबर ऑफ टर्न पर फेज फ्लक्स इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो भाई अगर सभी की रेटिंग सेम दी हुई है, इसका मतलब सेम केवी की वो होगी, सेम केवी अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा होगा वो भी सेम होगा सबका, तो ई सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ई सबका सेम हो जाएगा, ठीक। तो फ्लक्स जो होगा वो प्रपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/F के ना, फ्लक्स 1/F के प्रपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। ये बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है एरिया ना, जो भी एरिया ऑफ कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो कि एरिया जो है डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके, फ्लक्स के ना। अब इन दोनों को क्लब करो कि फ्लक्स इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, तो ओवरऑल रिलेशन तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा कि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/F, है ना, यही बनेगा। अब ध्यान से क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन पढ़ो कि इनमें से कौन स्मॉलेस्ट है, भाई स्मॉलेस्ट मतलब कम एरिया। अब ध्यान समझो कि ये 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो अब जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका एरिया सबसे कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसका एरिया सबसे कम होगा ना। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट दैट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका जो है एरिया सबसे कम होगा, एरिया सबसे कम होगा तो मतलब स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। सो डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। इसलिए जब भी स्टेटमेंट कल को ये पूछा जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, व्हाई वी आर सेइंग दैट लाइक दैट। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और डिफरेंट केवी रेटिंग से आपसे नहीं पूछ सकता, डिफरेंट अगर पूछता भी है वो उस केस में तो आप ईएमएफ वगैरह का ध्यान दे सकते हैं, तो उस टाइम जो होगा फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई बाई एफ के, तो आप पूछते हैं, लेकिन ऐसा कभी पूछेगा नहीं, बहुत कम चांस है, ठीक है। तो कुछ पूछेगा तो कुछ और एक्स्ट्रा डाटा भी देगा। अभी सिंपल है, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और ए प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, देयरफॉर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, कि कोई भी डीसी शंट मोटर अगर है, देखो ये शंट मोटर है, ठीक है, अगर ये शंट मोटर आपके पास बना हुआ है तो आप कैसे मतलब डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे, या हमारा आर्मेचर हो जाएगा और ये हमारा
सप्लाई बी ना, ये आर्मेचर और ये फील्ड। तो भाई ऐसा होता है कि किसी भी डीसी मोटर में, किसी भी डीसी मोटर में ये वाला फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट होता है और ये होता है आर्मेचर ना। तो किसी भी डीसी मोटर में क्या होता है कि टॉर्क जो होता है वो प्रपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स और आईए के ना। तो अब ध्यान से समझो, प्रपोर्शनल होता है फ्लक्स और आईए के को। अब ये कह रहा है इंटरचेंजिंग आर्मेचर टर्मिनल, अगर तुमने आर्मेचर टर्मिनल को बदल दिया, इसको इसको अगर तुमने बदल दिया, तो तुमने अब जो आईए बह रही थी उसको अब तुम माइनस आईए कर दिए, माइनस आईए कर दिए ना, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर तुमने फील्ड टर्मिनल को बदल दिया, अगर तुमने फील्ड टर्मिनल को बदल दिया तो मतलब तुमने क्या बदल दिया, तो टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू फ्लक्स इंटू आईए। अब इन दोनों क्वांटिटी में से तुम किसी को भी अगर बदलोगे तो टॉर्क हमारा बदल जाएगा, टॉर्क हमारा बदल जाएगा। तो देखो इसलिए जो है टॉर्क हमारा बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने आर्मेचर टर्मिनल को बदला, इसका मतलब तुम क्या करो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि भाई हमारा आईए ऐसे ऐसे बह रहा था, हमने उलट दिया इसको, भाई उल्टा हो गया तो आईए करंट ऊपर चला, मतलब बदल जाएगा बेसिकली, वो आईए माइनस आईए हो जाएगा ना, तो तब भी टॉर्क बदल जाएगा। और अगर तुम फ्लक्स को बदलते हो, फ्लक्स के टर्मिनल को बदलते हो, फ्लक्स के टर्मिनल को बदलने का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब इंटरचेंज का मतलब मैं अच्छे समझाता हूँ कि आप ये, मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कल को ये कहता है कि फील्ड टर्मिनल का हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे ना, कल को तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन चेंज कर दिया कुछ वो कर दिया, तो जो भाई इसका मतलब ये होता है कि पहले देखो इसमें करंट ऐसे बह रही थी ना, अब इसमें करंट ऐसे बहेगी, अब तुम अगर उसको बदलोगे तो तुम उसको सिंपल ऐसे कर दोगे इस तरीके से, ये तुमने बदल दिया। अच्छा अब दोबो को बदलने से क्या हुआ, इसमें करंट की डायरेक्शन ही बदल गई, इसको कहते हैं कि मतलब हमने वाइंडिंग का वो चेंज कर दिया, कहते हैं ना कि मतलब कि हमें अलग तरीके से वाइंडिंग लगा दी। तो इस तरीके से जो देखोगे तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का बी का जो डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा। जैसे इसको अगर तुम देखोगे यहाँ से, अगर तुम बी वेक्टर अप्लाई करोगे हाथ अपना फोर फिंगर ऐसे देखो, तो जो तुम्हारा थंब का इंप्रेशन होगा वो उधर जा रहा होगा ना, और अगर यहाँ देखोगे तो थंब का इंप्रेशन इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ होगी, तो दोनों में डायरेक्शन बदल गया, तो डायरेक्शन बदल गया तो फ्लक्स का डायरेक्शन बदल गया। तो वही आप एक तरह से तुम समझ सकते हो, वही हमारी बात हो रही है कि अगर ये वाइंडिंग पहले ऐसे किए थे हम, फिर ये हटा के दूसरा वाइंडिंग कर दिए, तो दूसरा वाइंडिंग करने से बी का डायरेक्शन जो था मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा, तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, तो टॉर्क का भी डायरेक्शन जो होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसको पॉजिटिव लियोगे तो टॉर्क इधर वाला, फ्लक्स इधर वाला निगेटिव कंसिडर करोगे, ठीक। तो इसलिए जो इसका आंसर दिया जाता है हमेशा, वो हमेशा आइदर से दिया जाता है कि चाहे जो बदलो, दोनों नहीं बदलना है, दोनों दोनों में से कोई एक बदलना है, किसी भी एक को बदलोगे तो वो काम, मतलब कि वो उसका डायरेक्शन जो है आराम से बदल जाएगा। सो टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू फ्लक्स इन टू आईए। किसी को भी अगर तुम चेंज कर दोगे, इसको तुम माइनस आईए कर दोगे तब भी ये माइनस टॉर्क मतलब रिवर्स हो जाएगा, इसको तुम माइनस फ्लक्स कर दोगे तब भी ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन दोनों को करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, तब तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आइदर दिया था, आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा सेम क्वेश्चन अगर तुमसे कोई वो पूछे कि यार ये सेम डाउट अगर तुमको उसमें होता है डीसी सीरीज मोटर में, तो भाई सीरीज मोटर का देखो कैसे होता है, सीरीज मोटर के केस में भी तुम वही अप्लाई करोगे, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा डीसी सप्लाई, ये फील्ड आर ऑफ फील्ड क्या है उसको, ये आर्मेचर है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ से हमेशा आर्मेचर करंट आई आ रहा है ना, और यही तुम्हारा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लक्स इंटू आई ए की ना। तो यहाँ पे जो आंसर होता है कि भाई अगर हमको डायरेक्शन रिवर्स करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स डीसी मोटर का तुम डायरेक्शन रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही आंसर होता है, आइदर इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल और इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल। सप्लाई टर्मिनल मतलब कि यहाँ प्लस माइनस था, तुम डायरेक्शन ही बदल दिए, अभी हटा के माइनस प्लस कर दिए ना। अगर तुम ऐसा कर दोगे, अगर तुम ऐसा कर दोगे तभी ये माइनस आई हो जाएगा, तभी डायरेक्शन बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आइदर लिखा हुआ है, किसी एक को अगर तुम कर दोगे तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। आइदर चाहे इसको और चाहे इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल को, फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करना मतलब कि यह समझ लो कि इस तरीके से चेंज करना, मतलब इसका वाइंडिंग गाइड वही चेंज कर देना जैसे कि पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे कर दिया, तब क्या बदल, तब भी बदल जाएगा, तब क्यों बदल जाएगा, तब क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है ये बदला, ये जो है अपोजिट हो जाएगा, जैसे इसमें इसमें ऐसे बह रहा था तो बी वेक्टर इसमें ऐसे था, लेकिन अगर इसमें ऐसे कर दिया तो बी वेक्टर इसमें ऐसे हो गया, तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो बदल गया, तो टॉर्क भी तुम्हारा जो होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। सो इसका डीसी मोटर केस में भी अगर पूछेगा तो हमेशा आप क्या करेंगे, यही बोलेंगे कि रिवर्सिंग आइदर, चाहे इसको बदलो और चाहे इसको बदलो, हमारा जो डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय आइदर ऑफ एनीथिंग, ठीक है।
either of the supply terminal or field terminal. So C, B is the right answer for this shunt, and as well as for a DC series motor also you will get a same thing. Okay. So next question is very good actually. Question number 21. I think, yeah, I will explain this in my next class, next lecture. So just please tell, please subscribe to my channel and you can share the doubts in the comment box. कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो, या जिसका एक्सप्लेनेशन एक बार और चाहिए, I will try to explain it one more time. So ये कंसेप्ट होता है बेसिकली डीसी डीसी सीरीज के लिए और डीसी शंट के लिए. ठीक है. So thank you for this.